नई सुबह के यूट्यूब चैनल को विजिट करने का शुक्रिया। मजीद मालूमाती मवाद के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल या विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.naisubha.org naisubha.org। अस्सलाम वालेकुम, नई सुबह इंडिपेंडेंट लिविंग प्रोग्राम के ब्यूटी टिप्स के साथ मैं हूं नादिया सबा। आज मैं आपके साथ होममेड प्रोटीन लीव इन कंडीशनर एंड सीरम शेयर कर रही हूं, जिसके इस्तेमाल से बाल ना सिर्फ स्मूथ, स्ट्रेट और शाइनी होंगे बल्कि इसके साथ साथ डे बाय डे बालों और स्कैल्प की हेल्थ भी इम्प्रूव होगी, क्योंकि हम इस रेमेडी में इस्तेमाल कर रहे हैं नेचुरल प्रोटीन के रिच सोर्स यानी एलोवेरा जेल और फ्लैक्स सीड्स जेल। इसको बनाने के लिए हमें जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए उनमें शामिल हैं फ्लैक्स सीड्स जेल हाफ कप, एलोवेरा जेल हाफ कप। इस रेमेडी को प्रिपेयर करने के लिए सबसे पहले एक खुश्क बोल लें और उसमें फ्लैक्स सीड्स जेल और एलोवेरा जेल डालकर अच्छी तरह मिक्स करें। आप इस मिक्सिंग के लिए ब्लेंडर भी यूज़ कर सकते हैं। जब ये दोनों जेल अच्छी तरह ब्लेंड हो जाएं तो आप किसी भी ग्लास या बॉटल में इसे डालकर रख लें और नेचुरल प्रोटीन लीव इन कंडीशनर एंड सीरम बिल्कुल रेडी है इस्तेमाल के लिए। आफ्टर शैम्पू इसका इस्तेमाल एज कंडीशनर और लीव इन कंडीशनर किया जा सकता है, क्योंकि दोनों इंग्रेडिएंट्स नेचुरल हैं और फुल ऑफ प्रोटीन है, जो कि हमारे स्कैल्प और बालों के लिए एज फूड इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए इसका इस्तेमाल ना सिर्फ बालों की लेंथ बल्कि बालों की रूट्स और स्कैल्प पर भी किया जा सकता है। इसके अलावा इस जेल का इस्तेमाल आप एज सीरम भी कर सकते हैं बालों को स्ट्रेट करने से पहले या किसी भी किस्म का हीट प्रोसीजर करने से पहले इस जेल को बालों पर अप्लाई करें। अगर आप ऑयलिंग के लिए कंफर्टेबल नहीं हैं तो आप शैम्पू से पहले इस सीरम को अपने बालों पर अप्लाई कर सकते हैं, और इसके साथ साथ अगर आप डेली शैम्पू नहीं करते तो रैंडमली इसका इस्तेमाल किया जा सकता है और फर्स्ट एप्लीकेशन के बाद ही आप अपने बालों में बहुत क्लियर डिफरेंस एक्सपीरियंस करेंगे, क्योंकि इससे बाल ना सिर्फ स्मूथ और स्ट्रेट होते हैं बल्कि ये बालों को नेचुरल लस्टर भी प्रोवाइड करता है, और इन सब के अलावा ये बालों की ग्रोथ के लिए भी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। हर तरह की स्कैल्प और हेयर टाइप और हर एज ग्रुप इस रेमेडी को इस्तेमाल कर सकता है। सो ये तो थी आज की रेमेडी। टिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह निगेबान। ये मालूमाती मवाद नई सुबह की जानिब से पेश किया गया। अपनी आरा के इजहार के लिए कमेंट कीजिए या डिस्क्रिप्शन में दिए गए रास्ते के जराए इस्तेमाल कीजिए।